हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पोहा, क्योंकि आज दिन है संडे का और संडे के दिन या तो पराठे या तो फिर पोहा। तो पराठे आज मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पिछले संडे मैंने भरवा पराठे बनाए थे। इस बार बना रही हूँ पोहा, सबके लिए सिर्फ पोहा ही बना रही हूँ और कुछ नहीं। रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, आज नहीं करी। यहाँ पे जो इधर आपको दिख रही है, ये मैंने पीनट फ्राई कर दी थी, जैसे कि हमेशा ऐसा ही होता है। पोहे के लिए करती हूँ, ख़त्म हुई रहती हैं तो फिर वो मैं खाने के लिए भी कर देती हूँ। और सर्दियों में तो पीनट बहुत अच्छी लगती हैं, इनको ज़्यादा पसंद है। कई दिनों से बिल्कुल ख़त्म थी, कई दिनों से क्या, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा टाइम नहीं लगता और ये बोलते रहते हैं। तो थोड़े से मखाने भी करने हैं, पर मखाने तो अभी मैंने नहीं करे, क्योंकि मखाने घी में होते हैं और पीनट ऑयल में हो जाती हैं, मतलब रिफाइंड ऑयल में। तो बस ये मैंने पहले करके रख दी थी, फिर बना दूंगी फटाफट से पोहा। धुल के मैंने पहले ही रख दिया है। और यहाँ पे वही करी पत्ता नॉर्मल तड़के के साथ 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 सबको सर्व कर दूंगी। श्रे साथ साथ सबके लिए चाय, दूध, जिसको जो चाहिए। अपने लिए तो उसने दूध ही बनाया है, आज बोनवीटे का लेता है तो वो उसके लिए और सबके लिए बना रहा है चाय। तो ये काम फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट का हो जाएगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ काफ़ी लेट लेट ही उठते हैं संडे के दिन और बहुत ही लेट हो गया है। तो फटाफट से मैंने सोचा सबके लिए साथ साथ मैं बना देती हूँ। पराठे बनाऊँगी, थोड़ा लेट भी होगा और पोहे का ही मन था सबका। दिन आज संडे का है तो इसलिए काम का जो टारगेट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि एक दिन मिलता है। आज सब घर पे हैं, सब तो नहीं, ये तो नहीं रहेंगे, पर हाँ बच्चे दोनों घर पे हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है शॉप से घर के लिए। तो आज घर के ढेर सारे काम करने हैं, तो वो सोच रही हूँ कि सारे टाइम से हो जाएं। एक दिन में बहुत कुछ सोच कर रखती हूँ कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो देखते हैं आज का टारगेट कितना पूरा कर पाती हूँ, कितना नहीं। तो ये हरी मिर्ची मैंने इसमें ना थोड़ी तीखी कम है ये, तो ये काफ़ी सारी मैंने इसमें डाल दी थी और एक साइड कर ली थी, ऊपर से अच्छी लगेगी, कहीं ऐसा ना हो फिर अंदर किसी के पूरे पूरी मतलब मिर्ची एक बारी मुँह में आ जाए। तो ऊपर मैंने निकाल ली थी सारी। हाँ जी, खाना पीना हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है, खाना पीना नहीं हुआ और अभी मैं एक ही बैठी हूँ। आज जो है काम ढेर सारे करने हैं और आज मुझे अपने बालों में मेहंदी भी लगानी है। देखो बिल्कुल वाइट बाल हो रहे हैं मेरे, बिल्कुल वाइट हो रहे हैं। तो ये ढेर सारे काम करने और घर में कुछ कपड़े लत्ते जो है वो सिंगवाना धिंगवाना ये चल रहा है। और ये देखो मेरे इयररिंग टूट रहे, कितने दिन के टूट रहे, टाइम नहीं लग रहा कि मैं ले आऊं। और दिन में ना मतलब जैसे मैं दुकान पर जाती हूँ तो मैं डाल के जाती हूँ टॉप जो जिनमें पीछे लॉक होते हैं, रात में मुझसे वो नहीं पहनने जाते लॉक वाले, ये कान ना मेरा पक सी जाता है, मतलब दुखने लगता है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी वो बड़े वाले हैं, छोटे हैं नहीं मेरे पास, झुमकी है वो इतनी बड़ी बड़ी हैं जैसे पहले चलती थी। तो बस मैं शॉप पे जाती हूँ तब पहन के जाती हूँ, सुई धागा वाले ही मुझे अपने लाने हैं, वे ही मुझे कंफर्टेबल है। लेकिन देखते हैं खर्च इतने हो रहे इस बार। और एक बहुत बड़ा और प्रॉब्लम हमारे घर में हो रही, जो हमारा टैंक का फिटिंग है, टैंक मतलब जो पाइप होते हैं पानी वाला, वो लीक हो गया जमीन में कहीं, कहाँ हो रहा। टैंक इतने ख़त्म होते हैं फटाफट फटाफट, पूरा दिन मोटर चलती है। तो कितने दिन हो गए प्लम्बर को बुलाते बुलाते, कई सारों का चेक करवा लिया, देखते हैं कोई आता है तो हमारा जो है तोड़ा फोड़ी का काम भी चलेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत काम है। यहाँ संडे के दिन ये जा रहे हैं बाहर, इनका कुछ मीटिंग वगैरह है, मतलब हैं यहीं पे, तो ये आज घर पे नहीं है। संडे के दिन भी रेडी हो गए हैं, देखो ये देखिए रेडी हो गए हैं। और बच्चों ने दे दिया ब्लेजर, पापा सारे छोटे हो गए तो थोड़ा थोड़ा इनको पहनना करो, जैकेट जैकेट पहनते हो। तो ये हो गए हैं मीटिंग में जाने के लिए अपने रेडी, और बस हम माँ बेटा लगेंगे काम पे। देखो बेटे तो ये घूम रहे, आज दुकान पे भी थोड़ी सी साफ सफाई होनी, श्रेय और ये जाएगा आज, मैं मेहंदी लगाऊंगी, मैं घर पे रहूंगी। चलते हैं जल्दी आओ। ये चले गए हैं, मतलब जा रहे हैं, अभी तो नहीं गए हैं। और अब मैं लगती हूँ काम पे, सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी मेहंदी बालों में, इसके बाद फिर देखती हूँ कपड़े भी रखने थोड़े से। और जो है ड्राइंग रूम का जो दीवान सेट है ना, वो मैंने कॉटन का डाला था न्यू दिवाली पे, तो वो उसको हटा दूँ,
कॉटन तो देख के भी ठंडा सा लगता है सर्दियों में। कॉटन गर्म तो नहीं है, गर्म तो नहीं डालूंगी क्योंकि उस पर कोई सोता तो नहीं है कि हम उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर हाँ मोटी सी बेडशीट उस पर मैं डालने वाली हूँ, तो ये सारे काम करूँगी। अभी तो हमने बेड पे भी वूलन नहीं डाली, अभी इतनी ज़्यादा है नहीं सर्दी तो अभी ऐसी महसूस नहीं हो रही, तो आज तो नहीं डाल रही मैं बेड पे भी, अभी तो चल जाएंगी। तो जी चलो लगते हैं ढेर सारे काम पे, संडे संडे स्पेशल काम, संडे स्पेशल ब्रो। आज संडे में बनाया सिर्फ पोहा। कर दिया है मैंने किचन का काम शुरू, और यहाँ पे तवा मैंने हाथ से मांजा है। ये तवा आज तो मैंने नहीं इस पे कुछ बनाया, लेकिन इस पे मैंने कुछ किया था। मेहंदी लगाती हूँ ना, तो उसमें मैं कुछ हल्दी भूनती हूँ, मतलब उसको बिल्कुल ब्लैक कर लेती हूँ, उससे ना काफ़ी कलर अच्छा आता है। और मैंने कहीं पे देखा था, शायद फेसबुक पे देखा था या फिर कहीं पे मैंने देखा था, तो वो मैंने 2 बार करके देखा। हाँ उससे मुझे जो है लगता है कि कलर थोड़ा सा डार्क आता है, तो वो हल्दी जलाई थी इस पे। हल्दी नॉर्मल जो हमारी खाना बनाने वाली हल्दी होती है वही, और बाकी जो मोटे वाली मतलब सूखी हल्दी होती है ना, अगर वो गांठ वाली तो वो मिल जाए तो उसको पीस ले तो वो तो बहुत ही अच्छी है। उसको फिर जला के ठंडी करके, तो वो मैंने इस पे तवे पे की थी, इसलिए मैंने तवा साफ़ किया है। और बाकी जो बड़े बड़े 2-4 बर्तन थे वो मैंने हाथ से करके बाहर धूप में रख दिए हैं, क्योंकि मैंने बास्केट वगैरह जो है हटा दी है। वो कभी कभी रख लेती हूँ, कभी हटा देती हूँ, जब बर्तन नहीं होते तो ऐसे खाली अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे दूध भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, अब किचन क्लीन कर देती हूँ। चिमनी के फिल्टर भी मैंने इससे ही साफ किए हैं, मतलब डिशवाशर में ही किए हैं इससे बोल रही हूँ। तो एक पे मुझे हल्का सा ऊपर यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ का निकल के ना यहाँ पे चिपक सी गया था थोड़ा सा एक जगह, नहीं तो बिल्कुल एकदम क्लीन कर रखे हैं। और जैसे यहाँ पे छोटी मोटी जगह होती है ना, जैसे यहाँ पे ब्रश वगैरह भी नहीं जाता, कई बार यहाँ रह जाता है, तो कहीं भी नहीं बचा। इस बार थोड़े ज़्यादा गंदे थे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी डालूंगी ना, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, करना भी नहीं पड़ा। हल्का सा बस यहाँ से ना एक पे जैसे मैं बोल रही हूँ ऊपर यहाँ पे थोड़ा कोटिंग सी लगी रह गई थी, चिपचिपी सी जो चिकट टाइप होता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत काम आसान हो गया। तो फिल्टर भी मुझे हाथ से साफ नहीं करने, ये भी हो गए, बाहर रख देती हूँ। और बड़े बड़े बर्तन मैंने हाथ से धुल लिए हैं, बाकी डिशवॉशर में। सबसे पहले मैंने लगा ली थी बालों में मेहंदी, जिससे कि थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। और पहले तो मैं यही सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं शॉप पे चली जाऊँ। अगर घर में कुछ मिस्त्री आ गए, अभी तो नहीं आए हैं, कुछ काम शुरू हो गया तो फिर तो शायद नहीं जाया जाएगा, तो इसलिए पहले मैंने मेहंदी लगाई और फिर झटपट मैं लग गई हूँ सारे काम में। कम से कम मैं 2 से 2.5 घंटे रखने की कोशिश पूरी करती हूँ मेहंदी को सर में। और फिर आप शायद कमेंट भी आपके आ सकते हैं, कौन सी मेहंदी लगाते हो आप, शेयर नहीं करते। पहले मैंने करी है, मुझे बताना आप, अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से क्या मेहंदी जो है लगाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो है मेरी मेहंदी अलग ही है, मतलब वो ना तो कोई वो है कि केमिकल है, और ना हाथों वाली मेहंदी है, सिल्वर गोल्ड के नाम से आती है मेरे यहाँ पे तो, और लगभग सब जगह ही वो आती है। उससे ये है कि कलर थोड़ा डार्क आ जाता है। तो जी यहाँ पे जो मेरे बचे कुचे काम थे वो मैंने निपटा दिए हैं, और बस लास्ट में मैं सिंक को साफ़ कर देती हूँ। आजकल सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि बर्तन उसमें कम ही साफ़ होते हैं। तो यहाँ पे जो चिमनी का ग्लास वगैरह था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था, और बाकी नॉर्मल ही किचन मैंने आज क्लीन करी है, कोई ज़्यादा स्पेशल या फिर ज़्यादा नहीं की। आलू भी रखे हुए थे, ये भी नहीं धुले थे क्योंकि आलू बहुत मिट्टी के आ रहे हैं आजकल, सर्दियों में मिट्टी के आते हैं। और यहाँ पे डिश वॉशर के ऊपर रखती हूँ ना तो अच्छे नहीं लगते मिट्टी के, वैसे भी मैं मिट्टी के नहीं रखती, फिर साथ साथ धुलने पड़ते हैं वो, तो अब सारे सुखाऊंगी बाहर फिर इनको रख दूंगी। सब्जियाँ तो धो गई थी पर इनको धुलने में टाइम लगता है, और ये जो है टोकरी वगैरह भी नहीं बचती सब्जी में भर जा सारी, तो आज ये एक्स्ट्रा काम इतने सारे हैं, बस अब हल्का सा रह गया किचन हो गया। तो अब मैं चलूंगी ड्राइंग रूम में, श्रेय कर रहा है बाहर धुलाई, और फ्रंट में बैक में पहले ही कर दी थी क्योंकि कपड़े सुखाए हैं, मशीन लगा दी है, और दोनों भाई शॉप का जो केबिन वगैरह में बोल रही थी वो भी साफ करके आ गए, मतलब अंश तो शॉप पे ही है, श्रेय आ गया, तो इतना सारा काम हमारा हो गया है। श्रेय मोटर बंद कर दी बेटा, पूरा दिन मोटर चलती है पूरा दिन।
और प्लम्बर आया नहीं, इतने नुकसान हो रहे। एक तो शायद मैंने आपको बताया भी नहीं है, आरओ अच्छा खासा चलता चलता बंद हो गया, उसकी मोटर खराब हुई और फिर उसके तीनों फिल्टर चेंज हुए, उसमें भी सारा मतलब न्यू ही हुआ, मोटर नहीं डली और एक क्या था अडेप्टर वगैरह भी न्यू डाला, सब कुछ नया डाला उसमें, तीनों फिल्टर सब चेंज हो गया, वो भी नुकसान एकदम से, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आधा तो शेयर ही नहीं होता, ब्लॉग कम बनाती हूँ, इतना जल्दी नहीं मतलब डेली नहीं बनता ना, तो उसका तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इसीलिए तो बोली थी नुकसान पे नुकसान मिल जा रहा है। मैं लग गई थी ड्राइंग रूम में साफ़ सफाई करने के लिए, और ये है कि जो हफ्ते 10 दिन में होती रहती है, वैसे तो ज़्यादा ही टाइम हो गया, दिवाली पे हुई थी तो चेंज वगैरह करना था सारा, फिर हटा हटा के ना अच्छे से पोछा लगा देती हूँ एक बार, वैसे तो लगता ही रहता है लेकिन इस तरीके से नहीं लगता जैसे हटा हटा के चेयर पूरा लगा देती हूँ, इसीलिए मैं जो है कोई कारपेट वगैरह नहीं डालती। उससे क्या होता है कि फिर धूल मिट्टी ना, खुला घर है हमारा ऐसा, ज़्यादा बंद नहीं है तो धूल आती है, फिर वो धूल साफ़ नहीं होती, तो पोछा वगैरह अच्छे से लगा के अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर आपको दिखाने के लिए। ये देखिए जी, यहाँ पे टैंक का मतलब ये है मेन पाइप जो ऊपर से आ रहा है टैंक में से, तो वो फटा हुआ निकला, यहीं से पानी की आवाज आ रही थी काफी टाइम से, पर ये लोग आ नहीं रहे थे, आए चेक किया ऊपर ऊपर, कुछ आइडिया नहीं हुआ, फिर अब आवाज जो है कंफर्म हो रही थी ऊपर से कि हाँ यहाँ से ही आवाज आ रही, अब ज्यादा ज्यादा लीक हो रहा था, देखो कितना पानी है, पर ऐसा रहा कि भगवान का आशीर्वाद है कि ज्यादा कुछ जो है तोड़ फोड़ नहीं हुई, यहीं पे बस मेन पॉइंट मिल गया कि हाँ यहीं पे है, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ जॉइंट खोलने पड़ते, कितना नीचे से जमीन फाड़नी पड़ती, पत्थर फाड़ना पड़ता। यहाँ पे वॉश बेसिन था तो ये वॉश बेसिन हटाया और उसके पास ही ये जो है मिल गया, देखो यहाँ पे वो वॉश बेसिन है ना ये बाहर वाला, तो बस इतना ही काम बड़ा है। ऊपर से पानी आ रहा था तो इन्होंने वेट किया, फिर ये बीच में चले गए थे कुछ सामान वगैरह लाना था, तो आने के बाद फिर देखा कि फिर और फाड़ना पड़ा, वो नहीं हो रहा था उतनी जगह में, तो थोड़ा सा स्पेस और इनको फाड़ना पड़ा, पर कोई बात नहीं है, ये भी गरिमत ही है कि हाँ इतने में ही हो रहा है, नहीं तो सच में बहुत दिन से, हफ्ते 10 दिन से इतना डर लग रहा था, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ कितना नुकसान होगा, फिर भी थोड़े में ही काम चल गया, तो यहीं पे ये ठीक हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ये इसलिए गड्ढा कर रहे हैं यहाँ पर जिससे कि आराम से इसको जो है ये न्यू जो भी फटा हुआ है तो उसको ठीक कर सकें। यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई हूँ, बीच बीच में मेरा काम चल रहा है और पानी जो है टैंक बिल्कुल बंद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बंद करने के बाद पूरा ख़त्म करने के बाद ही इन्होंने काम शुरू किया है, पानी में तो नहीं कर सकते थे जब तक पानी ऊपर से आता रहता, तो पानी का काम तो बंद हो गया है, पोछा भी जितना लग गया था बाकी घर रह गया है और मैं लगा भी नहीं रही हूँ, अब श्रेय बाद में लगा लेगा जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वो गंदा हो रहा है ना तो पैर वैर आ रहे हैं सारे में, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। और बस अब तो काम लगभग हमारा होने ही वाला था, सारा काम हो चुका था, नहाना बचा था, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि मैं नहाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरे बालों में मेहंदी भी है और मेहंदी में इतने घंटे रहना फिर ठंड लगने लगती है, तो मैं बोल रही हूँ कि देखती हूँ डायरेक्ट मोटर चला के आज मुझे ठंडे से ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर चलेगा नहीं कि गीज़र में पानी आ जाए, प्रेशर आ जाए टैंक में, तो अभी तो उनका काम बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो शायद मुझे डायरेक्ट पानी चला के मोटर चला के ठंडे से ही बाल धोने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा आज, नहीं तो फिर दूसरे काम मेरे रुके पड़े रहेंगे, मुझे कपड़ों का काम है तो वो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट नहा धोकर इसके बाद मैं काम में अपने लग जाऊँ। और फिर मैंने कर भी लिया था, मोटर चलाई और डायरेक्ट ठंडे पानी से नहाई, लग तो सर्दी रही थी पर वो दिख रहा था ना आगे का काम, तो जी यहाँ पे मैंने जो है फटाफट से डाल दिए हैं दूसरे सोफ़ा कवर और वूलन ही बेडशीट डाल दी मैंने, बहुत ही सुंदर सी बेडशीट लग रही थी, कुछ बेडशीट घर में रखी हुई थी सिंगल, तो वो शॉप के लिए मैंने रखी थी, आज लेके चले जाएंगे, शाम को गाड़ी से छोड़ आएंगे सामान जो यहाँ पे घर पे रखा हुआ है, क्योंकि रखा रहता है ना घर पे भी कुछ सामान, सारा शॉप पे नहीं होता, ज़्यादा आ जाता है तो वो नहीं आता इतना वहाँ पे, तो बस वहाँ पे मैं भेज रही थी, तो एक बेडशीट मैंने ये डाल दी, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा था और ये विदाउट पिलो कवर की है, वैसे भी मुझे पिलो कवर तो चाहिए नहीं है, तो बस जो मेरे सामने आया कुशन वगैरह वो मैंने ऐसे डाल दिए, तो ये प्यारी सी बेडशीट डाल दी और लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है,
क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया, तो ये तो हो गया मेरा काम कंप्लीट। और ये पूरा जो है ड्राइंग रूम हमारा इस तरीके से लग रहा है, सब कुछ चेंज कर दिया। हाँ ये है कि मेरे कुशन ना थोड़े अलग रह गए हैं आज, ये पिंक वाले, तो यही मेरे हाथ आए आज, मैंने वही कर दिए क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था और ऊपर से मिस्त्री आ गए थे। उसके बाद नहा धोकर बाल बाल मैंने सुखाए और अब टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बज गए थे। तो यहाँ पे खाने पीने का कुछ देख रही हूँ। बच्चों ने आज मुझे बोला था अंश ने कि मम्मी आज पास्ता बनाना या मैक्रोनी, अब क्या करूँ, पानी तो है नहीं, पानी के बगैर जो बन सकता है वो मैं बना रही हूँ। वेजिटेबल धुली रखी हैं, पत्ता गोभी है, एक शिमला मिर्च रखी हुई है। वैसे तो आज संडे है, सब्जी इतनी होती नहीं है घर में, पर एक शिमला मिर्च भी रखी हुई थी और पत्ता गोभी है, गाजर है, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं चॉप कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैगी क्योंकि ये सबसे जल्दी बन जाएगी। अब मैं पास्ता उबालूँगी मैक्रोनी, उसको धुलने के लिए, ठंडा करने के लिए पानी वगैरह का चाहिए, तो वो तो है नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपको सामने भगोना दिखाई दे रहा होगा, तो एक मैंने भर के रखा हुआ है हाथ पाथ धुलने के लिए, क्योंकि फिर आरओ में ही पानी है बस, और कहीं पानी नहीं है। तो इसलिए जो है नूडल्स भी घर में नहीं थे, मतलब मैगी नहीं थी, आज लेके आया है और मैंने ये चॉपिंग शुरू कर दी है। तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब वो था ना कि चाइनीज़ खाने का मन था जैसे पास्ता वगैरह, तो बस वही थोड़ा सा टेस्ट देने की कोशिश करूँगी, वेजिटेबल डाल के थोड़ा डिफरेंट नूडल्स बना दूँगी। चॉपिंग हो गई है, थोड़ी सी काट ली है पत्ता गोभी और एक शिमला मिर्च और एक कैरेट, बस इतना ही, मतलब गाजर एक ही काटी है। श्रेमू बना रहा था, फिर भी ये गाजर को देख के भी कि पता नहीं कैसी लगेगी, उसको ना वेजिटेबल वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, वही जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनी या फिर मैगी। तो मैंने बोला कि आज खा के देखना, एक दिन वो कॉलेज था तो मैंने बनाई थी अंश के लिए, वो बहुत टेस्टी लगी थी। यहाँ पे प्याज भी ऐसे ही मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है, ऑयल इसमें लिया और ऑयल गर्म होने पे डाल दी है ये प्याज। ऑयल में आपको हल्का सा झाग दिख रहा होगा, ये जो मैंने अभी भटूरे बनाए थे ना उसी का ऑयल है, तो उसमें हल्का सा झाग से हो रहे हैं। ज़्यादा भूनना नहीं है प्याज को, इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा जो है रेसिपी है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही मैं ये सब्जियां भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको ऐसा नहीं है कि भूनना है प्याज को, बस हल्का सा चलाया जिससे कि लेयर्स इसके अलग हो जाएं, और फिर ये सारी वेजिटेबल जितनी भी है वो इसमें मैं डाल दूंगी। इनको भी ऐसे ही चलाऊंगी, मतलब करंच रखना है ऐसे नहीं इनको कि पकाना है, क्योंकि अभी नूडल्स के साथ भी पकेंगे, तो थोड़ी सी देर के लिए बस हल्का सा इनको चलाऊंगी तेज आंच पर, जिससे कि कलर हल्का सा इनका चेंज हो जाए और हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। क्रंच रहना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही इनको जो है पका के रख लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा इनको चला रही हूँ और बस अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट वेजिटेबल के हिसाब का। वैसे तो इसमें सॉस वगैरह जाएंगी, उसमें भी सॉल्ट होता है और मैगी मसाला में भी होता है, तो यहाँ पे हल्का सा डाल दिया है मैंने सॉल्ट सब्जी के हिसाब से, नहीं तो फिर बिल्कुल फीकी फीकी बनेगी। तो इसको भी चलाया और अब मैं इसमें डाल दूँगी नूडल्स, जितना भी मुझे मतलब बनाना है उस हिसाब से, पानी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। थोड़ी देर के बाद ही मैगी हल्की सॉफ्ट हो गई हैं और पानी इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सा पानी बचा है जिससे कि इसमें मैं जो सॉसेज वगैरह है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर सकूं। और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल इसमें मैंने पानी डाला ही नहीं है, 2 छोटे गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था और 4 पाउच ये मैगी के थे, जो कि एक छोटे वाला आता है पर वो बड़ा पैक था, तो उसमें से मैंने 4 निकाले और इसमें डाल दिए। मैगी मसाला डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया, अब इसमें डाल दूँगी ये सेजवान सॉस, 2 चम्मच मैंने इसमें सेजवान सॉस डाली है या सेजवान चटनी जो भी आप बोलते हो, और यहाँ पे डाली है चिली सॉस, रेड चिली सॉस और थोड़ी सी ग्रीन चिली स्पाइसी बनाने के लिए, क्योंकि मिर्ची का तो इसमें कहीं यूज़ हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा, बच्चे बड़े हैं छोटे नहीं हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ओरिगेनो जिससे कि टेस्ट अच्छा आए और थोड़ा सा वही चेंज आए जो बच्चे खाना चाह रहे थे उनका टेस्ट था, तो उसी को मैं मैगी को ही वही टेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि पास्ता मैं बना नहीं सकती थी, तो ये बिल्कुल वही नूडल्स जैसे चाउमीन वगैरह होता है ना, कुछ कुछ
पूरा तो नहीं, खैर जो रेसिपी है होगी तो वही चाउमीन जैसा इसमें कुछ कुछ टेस्ट आने लगता है सब्जी से। और ये देखिए अच्छे से सॉस मिक्स कर दी है, लेकिन थोड़ा सा और टेस्ट इसमें जो है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सेजवान भी काफ़ी तीखी स्पाइसी होती है और मैंने इसमें चिली सॉस भी डाल दी है, तो इसको थोड़ा सा मीठापन देने के लिए, मतलब वही बैलेंस करने के लिए केचप डाल दिया है। इसको भी अच्छे से करूँगी मिक्स। और ये हमारी बन के जो है वेजिटेबल मैगी या वेजिटेबल नूडल्स बनके हो गए हैं तैयार। कलर भी बहुत ही प्यारा है और जो इसका टेस्ट वो तो प्यारा आएगा ही, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब करते हैं फटाफट से सर्विंग और बच्चों को दे देते हैं फटाफट खाने के लिए। देखिए ये मेरा नन्नू, ये आज मुझसे नाराज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं पूरा दिन से कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, मेरे पास नहीं आ रहा है। तो मैं दूर से खड़ी होके इसकी क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत दिन हो गए, तो मैंने इसको दिया था बनाना खाने के लिए लेकिन नहीं खाया। और श्री ने दिया था इसको पत्ता गोभी, जब तो नहीं खाया था, ये यहाँ पे इसकी रखी हुई थी, तो अब आके उसको खाने लगा है। और मैं जो पास को जाती हूँ तो दूर भाग जाता है मुझसे, क्योंकि मैंने इसको दो थप्पड़ मार दिए थे सुबह। ये देखिए जी काम बढ़ा हुआ हमारा, सब गंदा हो रहा है यहाँ पे, मिट्टी मिट्टी हो रही है सारे में। और ये बहुत ही बड़ा सा इन्होंने गड्ढा कर दिया था, लेकिन जो ये पत्थर कटिंग करी है ना इस तरीके से करी है, तो इसको ऐसे हम लगवा सकते हैं। यहाँ से वॉश बेसिन हट गया है सब कुछ, तो ये थोड़ा सा काम है, बाकी है जो प्रॉब्लम थी वो हो गई है ठीक। मशीन में यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए थे और पूरा दिन के जो है पड़े हुए ही हैं, अब जाके पानी आया, अब जाके धुले हैं। शाम हो गई है, बाकी यहाँ पे तो धुलाई होगी, श्रेय भी नहीं आया था उसने कर दी है, ये और अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे जो है मेरे बाबूजी बैठे हैं, कपड़े आज नहीं धुले, मतलब जो धुले थे सुबह धुल दिए थे मैंने थोड़े से, और फिर तो धुले ही नहीं हैं। चलो काम हो गया। हाँ जी अब जो है खाना वाना सारा हो गया है, किचन क्लीन हो गई है, बर्तन की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, डिशवॉशर लोड करके, और जो है थोड़े बहुत बर्तन जो बड़े दो एक बर्तन थे कुकर वगैरह वो मैंने कर दिए हैं आज से, क्योंकि कुकर ना इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे, तो कुकर तो मैं कम ही करती हूँ, हाथ से ही कर देती हूँ, और भी बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, इनको बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, छींक आ रही है, और इनके लिए चाय बना रही हूँ। यहाँ पे बन गई है चाय, चाय बन गई है, बस इनको चाय दे के लगाती हूँ, सब काम बचा है सोने का, नहीं वीडियो कर रही हूँ, एडिटिंग है वो सब अभी होगा, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलता, और यही ब्लॉग आपको कल मिलेगा, ये संडे का ब्लॉग है, मंडे आपको मिल जाएगा। चाय हमारी बन चुकी है और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आया हो क्या करना है, लाइक से कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, थैंक यू।